वाह यार, इस बंदे को मजा। एक बंदे को मैंने पूछा कि होती है बंदा, बोला आज बोलना तो बर्थडे है। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी आप लोग सोचोगे इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है अभी 10:15 में, और आज शिवरात्रि है। आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि सबसे पहले। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ ओएलएस, वहाँ पे सिराजी भाई और हिमाचल वाला जी हैं, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखना ना भूले इस वीडियो को, और जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वेलकम करें, और जितना उसको उतना शेयर करें। तो फाइनली गाइज, मैं अभी ओएलएस के वहाँ पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे हिमाचल वाला है और सिराजी भाई भी हैं। मेरे दोस्त भी है कुछ यहाँ पे, देखिए हिमाचल वाली गाड़ी, और वो देखिए वहाँ पे हिमाचल वाला है और सिराजी भाई भी है, रिवर्ब अमन और मेरा भाई भी है। तो ये देखिए, ये देखिए हिमाचल वाला जी। हाँ जी दोस्त, क्या हाल? सिराजी भाई जी सबसे पहले हेलो कर लो, और ठीक ठाक? बढ़िया जी बढ़िया, ठीक। हाँ जी, हेलो सिराजी भाई। हेलो ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। जय शंकर, शिवरात्रि है आज गाइस, तो गॉड ब्लेस यू सबको। कितना टाइम हो गया व्लॉगिंग करते हुए? भाई व्लॉगिंग करते अभी मेरे को एक साल हो गया है। एक साल हो गया लगभग? बहुत अच्छा, तब तो काफी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो। हाँ जी, वो क्या बोलते हैं सिराजी भाई, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ जी, लगे रहो कंटिन्यू बैक टू बैक, लगे रहो वीडियोस पे वीडियोस डालते रहो, और फिर मीठा मिलेगा। जैसे भाई को मिल रहा है आजकल, सबको मिले भाई मोटाई मीठा, ठीक है, लड्डू ही मिल जाएगा सीधे ऊपर से। आज तो भाई शिवरात्रि है, तो आई होप कुछ बहुत अच्छा मिले और स्पेशल मिले। ये हमारे एपी डिल्लों, एपी डिल्लों ये आप एपी डिल्लों के पिंड से हो ना? एपी डिल्लों के पिंड तो आ भी रहे, केड़ा पिंड? सेम ये हुआ, सेम इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे ना, जहाँ धर्मशाला मैंने ब्लॉग तो डाला था एक, तो वहाँ पे भी एक एपी डिलो मिला था। मैंने कहा यार एपी डिलो गया, बंदे कमेंट बॉक्स में बनने लगे फेक है। मैंने कहा भाई ऐसे फेक तो मेरे पास भी बैठा हुआ है, बट वो मान जाता है भाई कि मैं नहीं हूँ एपी डिलो, और सामने वाला बंदा क्या प्रेडिक्ट कर रहा है भाई, ऐसे आयो हेलो यस, आपने देखोगा ब्लॉग में मोटा मतलब बड़ा बता रहा कि मैं एपी डिलो, और मैंने भी ऐसे आगे से रिएक्ट किया कि भाई आप ही हो एपी डिलो। बस बंदा बोल भी रहा था मेरी ईपी आने वाली है, बोला चला है। मैंने उसको कंफ्यूज पता कहाँ पे हो गया, मैंने कुछ ऐसे पार्ट्स थे बीच में जो कट कर दिए, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा पाजी आप आजकल का गुरदासपुर में होते हो? बोलता नहीं दिल्ली में, आप पता है मैं दिल्ली में तो रहता हूँ। मैंने कहा मेरे को तो गुरदासपुर था, नहीं मैं दिल्ली में होता हूँ, ऐसा होता है किसने बताया गुरदासपुर? पता नहीं, फिर मैंने लोग तो ऐसे बोलते हैं। अब साथ में एपी ढिल्लो के साथ एक बंदा भी था, वो तो उसकी तरह लग रहा था, क्या नाम है वो साथ वाले बंदे का? नहीं भाई वो बंदा बोल रहा है, मैं गुरिंदर गिल की तरह लग रहा था भाई, साथ वाला बंदा नहीं था वो, गुरिंदर गिल की तरह लग रहा था मेरे को। तो बंदे भी अच्छे दौड़ गए उसके, नहीं यार बंदे बोलते भाई आप एपी ढिल्लो की तरह लग रहे हो, बंदा बोलता है एपी ढिल्लो, बोलता यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सारी मार्केट में जैसे बोल रही लग रहा हूँ क्या? तो हाँ यार बिल्कुल लग रहे थे, तो वही हूँ मैं, बस इतना बोल दिया, बंदे ऐसे तगड़े फोटो ले रहे थे यार, क्रिच क्रिच क्रिच। नहीं यार, फिर उसने उन्होंने बोल दिया बस को पापा कि चलो भाई आप लोग भी बैठा है, बस वहाँ मिलने चलते हैं। मैं देख रहा हूँ एक पीछे लोगों आ रहा है सीधे, सही भाई सही, आ जा। फिर हुआ पूरा का पूरा सीन। ये काम की बात थी, ये इधर धर्मशाला में रुका हुआ था ना, नड्डी धर्मशाला,
और तुम बताओ दोस्त शांत क्यों रहते हो यार, इतना बोलते रहो कुछ। बंदे का ब्रेकअप हुआ है यार, ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हुआ। नहीं नहीं, कितने साल का ब्रेकअप था? अंदर की बात है ये, सच में ऐसा है तो बता दो भाई, बता दो भाई आज सबको, बता दो, चार लोग बैठे हैं सबको बता दो आज, वो कौन थी वो बंदी जिसने दिल तोड़ा? कुछ ऐसा नहीं था। भाई ऐसा ना, घर में ही ब्लॉग देखते हैं यार, है ना, देखते हैं, देखते हैं। फिर तो घर वालों को नहीं बताना है कि ब्रेकअप हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, घर वालों को भी बताना पड़ेगा। सिराजी भाई उस जाओ उस पे चल रहे हैं ना, मतलब अगर नहीं भी हुआ होगा ब्रेकअप तो भाई बंदे का करवा देंगे कि भाई हुआ था फाइनली, है ना। मतलब ऐसा बताने की कोशिश है कि मैं सिंगल हूँ, सिंगल है भाई बंदा, सिंगल है, सिंगल है ना भाई, रेडी टू मिंगल, सिंगल फीलिंग, सिंगल। तेरे को पता है बोलना, आज शिवरात्रि है ना तो आज शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि माँ पार्वती और शिव जी की शादी। वाह यार, इस बंदे को पता भाई। एक बंदे को मैंने अभी पूछा कि होती है, बंदा बोला आज भोलेनाथ का बर्थडे है शिवरात्रि। वो बंदा यहाँ कैमरे के पीछे बर्थडे नहीं आज गाइस, तो आज भोलेनाथ की शादी है, शादी हुई थी बोलना, ये इंटरेस्टिंग। हाँ सच में बंदों को नहीं पता होता ना, मेरे को भी नहीं पता था भाई, एक टाइम सच बताऊं फिर मेरे को भी किसी ने बताया ना, तब मैं सबको बताता हूँ। मेरे को आज ही लगा पता, मेरे भाई बर्थडे ही बोलता शायद शिवरात्रि। हाँ सच में नहीं पता, नहीं पता था गुस्सी पर मोर के बंदों को नहीं पता तो किसको बताना। टोली चली हुई थी भोलेनाथ के साथ, भूत प्रेत। हमारे गांव से वो शादी से बोलते हैं, हमारे गांव कहाँ से? हमारे गांव का मणिमेश के रास्ता था, बरमोल निकल के। हां और लाहौल, लाहौल से बरमोल तो आते हैं, तो आपने यहां पे गांव हमारा। अच्छा पहले जहां पे निकलते हैं वहीं से। अच्छा अच्छा, मैं आऊंगा यार नेक्स्ट टाइम, वहीं से है प्लान मेरा। हजराजी भाई को बोल रहा हूं एक दिन ले जाओ भाई को, क्या बोलते हैं अपने गांव साइड ब्लॉग बनाने, मस्त मजा आएगा। हम गए थे वहां पे लाहौल में, बड़ा सही सही है यार ऊपर। हां जोत कौन सा कनेक्ट होता पर वो चौबिया वाला, चौबिया बाईपास से तो राहुल से तो आते हैं मणिमहेश्वर के लिए, वो अलग जो होता है, हम शॉर्टकट से आते हैं एक दिन में पहुंचते हैं वहां पे। बड़े तगड़े आस्था करते हैं आते राहुल से, बंदों को भी मान गया वहां पर, फुट नहीं देखते उसी दे चले होते हैं। सही बात है, जड़ांगे पांच रंगा पांव आते हैं। वो क्या फीलिंग है, क्या बोलते हैं वहाँ त्रिलोकीनाथ की, बोला वहाँ क्या बोलते हैं जो त्रिलोकीनाथ है ना, वहाँ क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं। अरे वो तो अलग ही फीलिंग है भाई। अच्छा, हाँ तो मतलब अंदर जाके मेरे को ऐसा लगा ना वो पुराने जमाने में पहुंच गया। पत्थर है, उस पत्थर वाली क्या वो मतलब सीन है उसका, पत्थर का वो सीन है कि शायद ऐसे बोलते हैं भीम उतना खाना खा लेता है टाइम रात को। वो मंदिर अंदर से इतना सही है ना भाई, मैं तो वहाँ थोड़ी देर बैठा ही रहा भाई, मैं तो घूमता ही रहा इधर उधर, छोटा सा मंदिर है बिल्कुल। मैंने वहाँ के तैयारी को पूछा था, मैंने कहा आप वीडियो क्यों नहीं बनाने देते, तो वो बोलते कि ऐसा है, बोलते यहाँ पे जो मंदिर के अंदर जो फोटोज लगी है एक्चुअली कुछ राजाओं की फोटो लगी है, कुछ ऐसा ऐसी है ना वहाँ पे, और बोलते हैं कि अगर उनको कैप्चर करके बड़े लोग ले जाते हैं और घर में लगाते हैं तो घर में सुख शांति जो होती है भंग हो जाती है उन फोटोज की वजह से। तो बोलते हैं ये वीडियो आप यहाँ से बना के ले जाओगे तो पब्लिक को दिखाओगे, पता नहीं कितने लोग देखेंगे घर में, है ना, मतलब वही है जो शनिदेव की आंखों वाला सीन कुछ ऐसा बताया था उन्होंने, एक्चुअल में क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। और जो माता की मूर्ति वो भी असली नहीं, असली कहीं और होता है, कुछ देखने नहीं देते ना कुछ ऐसा वैसा सीन, औरतें नहीं देखती है मूर्ति लगे थे ऊपर तो भाई चलते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भूखा इसको देख के डुगू की याद आ गई भाई, खाना नहीं खाया, उसका भी व्रत करवाया, डुगू का व्रत आज चले फिर तो ये देखिएगा सिराजी भाई हिमाचल वाला जा रहे हैं अभी सिराजी भाई के रूम में, तो देखते हैं फिर किस्मत अच्छी हुई तो मिल लेंगे, मिल पाएंगे वैसे, देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं होता है। So guys,
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बिल्कुल जितना उसको इतना शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।